हेलो, वेलकम टू एन किचन। आज की वीडियो में हम बनाना सीखेंगे आइसक्रीम। ये एक ओरियो आइसक्रीम है और इसके बनाने की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा आसान है और इसको बनाने के लिए बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स यूज होंगे। और ये रेसिपी इतनी आसान है, कोई भी बना सकता है, बहुत ही क्विक बन जाएगा और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो सीधा चलते हैं रेसिपी की ओर। ये रहे इसके इंग्रेडिएंट्स। ये आइसक्रीम सिर्फ ओरियो बिस्किट, शुगर, मिल्क और फ्रेश क्रीम या फिर मिल्क की फ्रेश मलाई से बन जाएगी। एक मिक्सर के जार में 12 पीस जितनी ओरियो बिस्किट डाल दीजिए। उसमें 2 चम्मच शुगर डालिए। शुगर आप आपके टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा या कम भी यूज कर सकते हो। उसको ग्राइंड कर दीजिए। सारी ओरियो बिस्किट आप क्रीम के साथ ही डाल दीजिए और उसका अच्छा सा पाउडर रेडी कर दीजिए। अब इसके अंदर हम अमूल की फ्रेश क्रीम 50 ग्राम जितनी डालेंगे। अमूल फ्रेश क्रीम की जगह पे आप जो आपके घर पे आने वाले मिल्क के ऊपर जो मलाई आती है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। मिल्क की मलाई भी अमूल की फ्रेश क्रीम जैसा ही काम करेगी। अब इसको अच्छे से ग्राइंड कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं इसका अच्छा सा मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब इसकी थिकनेस कम करने के लिए और इसको अच्छा फ्लेवर देने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 50 ml जितना मिल्क। अब इसको फिर से एक बार अच्छे से ग्राइंड कर दीजिए। आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस। तो हमारी आइसक्रीम रेडी हो चुकी है। सब्सक्राइब कर दीजिए एन किचन को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। अब हम इसे कोई भी कप में पोर करेंगे। आप इसे इस तरह से कोई भी प्लास्टिक के कप में डाल सकते हो या फिर आपके घर पे बचे हुए आइसक्रीम के कप में भी इसे डाल सकते हो या फिर कोई भी कांच या प्लास्टिक के ग्लास में इसे डाल के फ्रिज में रख सकते हो। आइसक्रीम के लिए रेडी किया हुआ सारा मिक्सचर आप कप में निकाल लीजिए। आप प्लास्टिक के या कांच के जो भी कप यूज कर रहे हो उसको इस तरह से फॉइल पेपर से कवर करना बहुत जरूरी है। आपने यूज किए हुए कप को फॉइल पेपर से इस तरह से कवर कर लीजिए और उसको रबर बैंड की मदद से टाइटली लॉक कर दीजिए। जितना एयर टाइट रखोगे उतनी हमारी आइसक्रीम अच्छे से जमेगी। अगर आप कोई प्लास्टिक का कप या फिर कोई आइसक्रीम का कप यूज कर रहे हो तो उसके ऊपर लगने वाला ढक्कन ही आप यूज कर सकते हो। तो अब हम हमारी सारी आइसक्रीम को डीप फ्रीजर में फ्रीज होने के लिए रख देंगे। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आप इसे ओवरनाइट डीप फ्रीजर में रखिए या फिर इसे मिनिमम 6 से 8 घंटे के लिए डीप फ्रीजर में रखना जरूरी है। तो देखिए, रेडी हो चुकी है हमारी ओरियो बिस्किट की आइसक्रीम। ये आइसक्रीम आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए। एकदम क्रीमी बनी हुई ये ओरियो आइसक्रीम खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगेगी और जैसे कि आपने देखा ये बहुत ही इजीली बन जाती है और बनाने के लिए बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। बच्चे हो, बड़े हो या बैचलर्स हो, कोई भी इसे इजीली घर पे बना सकता है। तो एक बार जरूर ट्राई कीजिए ये ओरियो आइसक्रीम और हमारी चैनल एन किचन को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिया हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन दबा दीजिए क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसे ही यम्मी यम्मी वीडियोस लाते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो के बारे में कोई सवाल हो या फिर आप कोई और रेसिपी देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। ये वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। एंड कीप वॉचिंग एन किचन।